नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग दोस्तों वीवोस के 10th एग्जाम के मॉडल सेट मॉडल पेपर हिंदी का जो है मॉडल पेपर दोस्तों उसके बारे में उसके सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ किस किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों को सारा जो एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों इस तरह के हैं। मैं एक एक क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा कि स्टेप वाइज बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव कितने पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट भी कितने पूछे जाते हैं। इस तरह से सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज के वीडियो में मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखो, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है दोस्तों जो भी दोस्तों विद्यार्थी हैं, जो भी वीवोस के बिहार ओपन बोर्ड के स्टूडेंट हैं और 10th का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो उनके लिए जो दोस्तों ये जो हिंदी का जो है मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर जो है बिल्कुल ही लाभदायक, बिल्कुल ही आप लोगों को यूजफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसी मॉडल सेट के अकॉर्डिंग दोस्त जो दो की दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों 10th का है मॉडल सेट फर्स्ट है, ठीक है दोस्तों। विषय हिंदी है, 201 कोड है, 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को। 30 नंबर उत्तीर्ण के लिए 5 मार्क 30 है। समय जो है 3 घंटा 15 मिनट है। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है, एक भी प्रश्न जो है आप लोगों को छूटने चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है 1 नंबर के होंगे, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को अगर गलत करते हैं तो 0 अंक, मतलब कि दोस्तों यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है। लघु उत्तरीय है, दीर्घ उत्तरीय अंक जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को दे दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, रिक्त स्थानों की सही विकल्प भरिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जैसा कि थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, चलिए अब ठीक है दोस्तों। यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जनतंत्र में व्यक्ति पूजा डैश है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन दिया रिक्त स्थान को, यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया, या तो अच्छी है या तो खराब है। तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जनतंत्र में व्यक्ति व्यक्ति पूजा डैश है, अच्छी है तो अच्छी, खराब है तो खराब लिखिए, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा डैश के, डैश को राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो भी आप लिखिए। तैरने वाला समाज, क्या है, तैरने वाला समाज डूब रहा है पाठ में डैश का वर्णन है, ठीक है दोस्तों। बाढ़ या पर्यटन का जो है, जो भी आप लिखिए। आपको ये सारे क्वेश्चन जो है आपको दोस्तों जो आप लोगों को वीवोस का मटेरियल बुक मिलता है उसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। संत कबीर दास डैश के कवि हैं, ठीक है दोस्तों। भक्ति काल या आधुनिक काल, जो भी आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, चलिए तो हमें बड़ा कर, अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे अनुवाद में मूल रचना का विचार डैश है दोस्तों, डैश डैश है मतलब बदलता है या नहीं बदलता है। दो कौड़ी का मुहावरा का अर्थ क्या है, जो दो कौड़ी का मुहावरा का बेकार की चीज या कीमती चीज, ठीक है दोस्तों। दो कौड़ी का तो मतलब बेकार की चीज या कीमती चीज, तो इसमें जाहिर सी बात है बेकार की चीज ही होगी दोस्तों। दो कौड़ी का मुकाबला वो मुहावरा किसी वाक्य में जिससे किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है उसे डैश कहते हैं, संज्ञा या कार्य। देखिए दोस्तों, किसी वाक्य में जिससे किसी कार्य की होने की सूचना मिलती है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों। किसी कार्य की होने की मतलब क्रिया कहते हैं, यहाँ पे क्रिया होगा। देखिए ऑप्शन एक दूसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों सही कथन को यहाँ टिक करना है और गलत कथन को यहाँ क्रॉस करना है, जो भी ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है अपना यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, गुल्ली डंडा कहानी के अनुसार बचपन की सबसे मीठी स्मृति गुल्ली डंडा खेलना डैश, जो भी आप अपना जो है दोस्तों यहाँ पे भरिए, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब यहाँ निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए, ठीक है दोस्तों। अब जो ऑप्शनल क्वेश्चन है, गुल्ली डंडा कहानी का मुख्य पात्र कौन है, जो भी आप चुनिए, ये सारे ऑब्जेक्टिव है इसमें, ठीक है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से एक ऑप्शन को आप लोगों को टिक करना है, ठीक है। यहाँ पे भी आप नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। आप लोग बौद्ध जैन, तो आप लोग जाहिर सी बात है दोस्तों अगर नालंदा विश्वविद्यालय शायद बौद्ध से है, ठीक है दोस्तों, मैं कंफर्म, लेकिन बौद्ध ही होगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग बुक में एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, 17 आत्मकथा में किसके जीवन की बात कही है, जो भी है आप दोस्तों आप लोग बुक में चेक कर लीजिए, सारे ऑब्जेक्टिव है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कबीर दास के अनुसार व्यक्ति महान कैसे बनता है, ऊंचे कुल में जन्म लेने से, अच्छे कर्म कामों से, कुल कुल से कुछ नहीं दोस्तों। यहाँ जाहिर सी बात है दोस्तों, कोई भी जो है महान व्यक्ति कम बनेगा अपने कर्मों से बनता है, तो अच्छे कर्मों से आएगा, मतलब कि 19 का ख आंसर हो जाएगा।
ईमानदार का विपरीतार्थक शब्द है दोस्तों, तो ईमानदार का आप लोगों का पता होगा बेईमान होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। रचना में जो भी है जो शब्द के बाद में लगे उसे क्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। उपसर्ग या प्रत्यय दो ही होगा दोस्तों, इसमें से अपना जो चुन लीजिए, जो बाद में लगता है पहले लगता है जो भी होता है। अब दोस्तों यहाँ पे मिलान करें, मिलाने वाला जो भी सही है दोस्तों आप लोग मिलाइए इसको, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाएं, स्वाधीन पराधीन नाद आम्र जो भी है दोस्तों, जो भी उत्तर है आप लोग इसको सही कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए मिलान करें, यहाँ भी मिलाने वाला दिया हुआ है, फिर यहाँ भी मिलाने वाला दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से जो यहाँ भी मिलाने वाला दिया हुआ है दोस्तों, मुहावरा लोकोक्ति संवाद ये, ठीक है। तो आप मिलाइए आप दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए अब जो हमारा लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन के दोस्तों 3 अंक दिए गए हैं। तो यहाँ प्राचीन प्राचीन नालंदा के प्रसिद्ध विद्वानों के बारे में बताएं, गोधन का चित्रण करें, मुझे व्यक्ति पूजा पसंद नहीं पाठ का संदेश जो भी आप अपना लिखे स्वाधीनता पर कविता के अनुसार प्रदान, ये सारी चीज़ें पूछी गई। आप देखिए दोस्तों अब ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, मतलब कि एक प्रश्न के 2 अंक है और 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब टोटल 20 है। राजकुमार शुक्ल किसे कैसे किसान थे, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ल कैसे किसान थे, नालंदा विश्वविद्यालय में किस किस विषय की पढ़ाई होती है, ठीक है दोस्तों। सारी डिटेल आप लोग यहाँ पे पढ़िए, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों लास्ट जो हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, गुल्ली डंडा कहानी का सारांश लिखे, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है दोस्तों 5 नंबर का है, ठीक है, और हमसे 4 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 4 क्वेश्चन है यहाँ पे, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों आप लोगों को फिर यहाँ पे माधवी वर्मा का परिचय दीजिए, स्वतंत्रता दिवस पर एक निबंध, ये तो बहुत आसान है दोस्तों। क्या है कि स्वतंत्रता दिवस पे आप लोगों को जो भी है अपना एक पत्र लिखिए, एक निबंध लिखिए, बहुत आसान है। अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमसे चौथा में क्या, निम्नलिखित में किसी एक का व्याख्या करें दोस्तों, जो भी है लिखा उसका व्याख्या करिए। कबीरा घास न नदिए जो पाऊ लली होए, उड़ी पड़े जब आँखी में खरा दुलई हाय, ये जो भी है खो है दोस्तों, देखते नहीं है पंचलैट है, बामन टोली के लोग ऐसे ही ताव करते अपने घर के डिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों को पंचलैट का लालटेन, ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छा मुहावरा है, आप लोग जो है अपना जो है इसका जो है व्याख्या कीजिए, ठीक है दोस्तों, दोनों का व्याख्या कीजिए जो भी है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि एग्जाम में, 10th के एग्जाम में बिहार ओपन बोर्ड जो है किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरा मॉडल सेट मैंने एक एक करके आप लोगों को समझा दिया और सारे क्वेश्चन में हमने आपको स्टेप बाय जो आपको समझा दिया, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आज की जो वीडियो होगी वो आपके लिए 10th एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जो भी नए नए यूजर जो भी नए हैं दोस्तों, नए स्टूडेंट हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो है दोस्तों अपना लाभ उठा सके, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।